और वायनाड आपदा में अब तक 300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू में बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई है। अलग अलग जगह 46 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं और कई जगह लोग फंसे हुए हैं, जिनको सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर सेना के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में 3 दिन में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। केदारनाथ गौरीकुंड पैदल मार्ग पर पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने से यहाँ पर बड़ा नुकसान हुआ है। सड़कें क्षतिग्रस्त होने से कई यात्री यहाँ पर जगह जगह फंसे हुए हैं।